फैसला, 6 नवंबर को मामले की फिर होगी अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। तो मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बड़ी खबर है, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला, 6 नवंबर को मामले की फिर होगी अगली सुनवाई। वहीं इस पूरे मामले पर संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने हिंदू पक्ष के वकील से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। के शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, उनकी रिकॉल एप्लीकेशन को जो था उसको खारिज कर दिया है। अब उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी, और हमारे साथ इस समय हिंदू पक्ष के जो वकील हैं सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या आज सुनवाई हुई। देखिए, सुनवाई कुछ डिटेल में तो नहीं हुई, जजमेंट डिलीवरी में कुछ होती सुनवाई होती नहीं है। दरअसल जजेज ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं और ऑनरेबल जज साहब ने इसमें ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा अपने ऑर्डर डिलीवरी का, उसमें साफ तौर पे कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। तो बहरहाल मुस्लिम साइड का रिकॉल एप्लीकेशन जो कंसोलिडेशन के रास्ता वो रिजेक्ट हो गया है और एक रास्ता क्लियर हो गया है कि इशूज फ्रेम होंगे इसमें, और इशू फ्रेम होंगे तो सबके लिए बेनिफिट है। और सिविल सूट का मेन होता है इशू फ्रेमिंग, और मुस्लिम साइड तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है सबको भी लगता है हम लोग को। मुस्लिम पर क्या होगा इस पूरे केस में? अब इशू फ्रेम होगा जो कि सिविल सूट में होता है आमतौर पर। कितने तारीख को अब आगे मामले की सुनवाई होगी? 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे इसमें फर्दर सुनवाई है। थैंक यू। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और उनकी रिकॉल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, यानी जो रिकॉल एप्लीकेशन थी वो अब खारिज होगी और सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो अब देखना होगा 6 नवंबर को कोर्ट जो है क्या आगे का किस तरह से सुनवाई करता है और क्या इस पर आगे सुनवाई होती है, तो ये देखना होगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। के शाही ईदगाह बहराइच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सुनवाई